ये मुस्कान है और अपने घर में एक किड्स प्ले स्कूल चलाती हैं, मतलब छोटे बच्चों को घर में पढ़ाती हैं। लेकिन आज मुस्कान को दिखाने का मकसद मेरा ये कि घर में छोटे से बच्चे को पढ़ाते हुए भी इन्होंने खुद की स्टडी पर भी बिल्कुल फोकस बनाए रखा और 4 तारीख को जो नीट का रिज़ल्ट आता है उसमें इन्होंने 662 नंबर लाकर अपने माता पिता को, अपने गांव के लोगों को, अपने ज़िले के लोगों को गौरवान्वित किया। अब आप सोचिए कि बच्चे हज़ारों की तादाद में कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ये कुमारी मुस्कान जो हैं ये घर में रह कर ही छोटे बच्चों को पढ़ा कर ही तैयार हो जाती हैं नीट के लिए और एक अच्छे नंबर से। कुमारी मुस्कान हमारे साथ हैं, पिता श्री उनके साथ हैं, उनकी माता साथ हैं। आइए सभी लोगों से बात करेंगे कि आखिर कैसे घर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की नीट जैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाती है। कुमारी मुस्कान, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आपको, मुबारकबाद के आपने घर में रहकर बच्चे को पढ़ाकर, एक घर में स्कूल चलाती हैं आप, किड्स प्ले का बच्चों को पढ़ाती हैं, तो कैसे नीट क्वालिफाई कर लिया आपने? सबसे पहला सवाल, अपना डेली का स्केड्यूल फिक्स किए थे कि कुछ टाइम बच्चों को पढ़ाने में देना है, फिर अपना भी पढ़ना है, सुबह में पढ़ाई कर लेते थे थोड़ा रिवीजन करके, फिर पढ़ाने चले जाते थे, फिर जब भी छुट्टी होता था तो थोड़ा देर रेस्ट करके अपना क्लासेस वगैरह कर लेते थे ऑनलाइन। उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्ज़ाम जो 5 मई को था तो जनवरी से ही डेली क्वेश्चन पेपर फुल सिलेबस वो देते थे हर संडे को, और जो जो भी चीज़ वीकनेस था उसको अच्छे से रिवाइज करते थे। और इस पूरे जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने और मेरे जो मेंटर्स वगैरह थे उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। लोग कोटा जाते हैं, पता होगा आपको, काफ़ी सारे स्टूडेंट जाते हैं कोटा, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ के नहीं हो पाया, टफ था काफ़ी, क्वेश्चन हमारे लेवल का नहीं था, बहुत सारी चीज़ें। आप ना तो कोटा गई, ऑफलाइन कहीं क्लास आपने नहीं किया, ऑनलाइन में कुछ जो आपके मेंटोर्स आपने बताया उन्होंने आपको सजेस्ट किया, फिर खुद के मेहनत के ऊपर आपको भरोसा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन छात्रों के लिए जो एक्सक्यूज़ करते हैं या फिर जो नहीं जाकर सफल हो पाते हैं, तो उनको मुस्कान से सीख लेनी चाहिए कि घर में रहकर भी, क्योंकि आप एक तरीके से उन लोगों को मोटिवेट करेंगे वैसे छात्रों को, तो क्या कुछ निर्देश दें या फिर क्या कुछ सलाह देने चाहेंगे वैसे छात्रों को जो कोटा जाते हैं या फिर अभी स्टडी करते हैं फिर भी 2-3 चांस लेते हैं, नहीं हो पाते हैं सेलेक्ट, उनको कैसे मुस्कान असिस्ट करेंगी, कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए? सर, बस यही है कि अपना नीट के लिए मतलब इतना ही जैसे कि संन्यास ही ले लो, मतलब कोई भी उतना दोस्ती वगैरह में इन्वॉल्व मत हो, सिर्फ अपना पढ़ाई करो। एक साल बैठ के घर में या घर में ही आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो एक साल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, इधर उधर का कुछ भी ध्यान मत दीजिए, और फिर अपने आप अपने मेहनत पे भरोसा रखें। और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो उसका मेन मोटिव क्या है एग्ज़ाम देने का, वो हमेशा याद रखें, क्योंकि जब भी हम लोग प्रिपेयर करते रहते हैं ना तो कहीं वो भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप अपना एक रीज़न याद रखेंगे कि हाँ मेरे को इस रीज़न से डॉक्टर बनना है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको और बूस्टअप करते रहेगा जर्नी के बीच में भी, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। कितने मार्क्स आए हैं आपको नंबर? 662। फर्स्ट अटैम्प्ट था ये आपका? नहीं, सेकंड। सेकंड अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट में आपने 662 और अब आप डॉक्टर बनने जा रही हैं, आखिर डॉक्टर ही क्यों बनना था आपको? मैं बचपन से ही मन था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और फिर जब भी मैं जो पहला जो ड्रॉप ली थी वहाँ पे मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब होता था, और मेरे नानी नाना का भी, तो मैं जब भी जाती थी हॉस्पिटल में देखती थी वहाँ के डॉक्टर्स मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, तो एक मन था कि हाँ मुझे भी अपने सोसाइटी को सर्व करना है। और मतलब बहुत ही होता है ना कि लोग दिखाते बहुत जगह में डॉक्टर को बट वो ठीक नहीं हो पाते, तो इसका रीज़न क्या है? और भी बहुत सारी बीमारी है, मेरी नानी मतलब सालों से बीपी का दवाई खा रही है बट उनका सेहत में कोई सुधार नहीं हो पाता है। मेरे पापा का मतलब ट्यूमर है ब्रेन में, वो पापा अपना दिखाते नहीं क्योंकि डॉक्टरों से भरोसा उठ गया है कि मतलब इतना सब बस दवाई लिख देते हैं, ऑपरेशन लिख देते हैं, एंड में कुछ रिजल्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब मुझे अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करना है कि लोगों का डॉक्टर से भरोसा ना उठे कभी भी। कहते हैं ना, जीनियस का सोच जो होता है, उसकी मेंटेलिटी जो होती है, वो भी जीनियस ही होती है। मुस्कान बता रही हैं आप कोटा भी जा सकते थे,
कोटा जाकर भी तैयारी कर सकते, और भी दिल्ली भी जा सकते थे, और जब बड़े इंस्टीट्यूटों में जा सकते थे और नंबर आपको मिलते, हो सकता है आप टॉपर में भी शामिल होती, क्यों नहीं जा पाई आप कोटा? मेरे मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं कि वो मुझे कोटा भेज सके, इसीलिए मैं नहीं जा पाई। ये मुस्कान हैं, और देखिए मुस्कान की सोच, इनकी मेंटालिटी किस तरीके से सोचती है। इनकी पता था इनको कि मेरे फादर का इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अच्छा नहीं है, तो लेकिन दिल में ये भी था कि फादर इनके बीमार रहते थे, इनके नाना नानी, इनके परिवार के लोग, डॉक्टर तो मुझे बनना है, मेडिकल फील्ड में तो मुझे जाना है। ठीक है, मैं कोटा नहीं जा पाऊँगी, चांसेज हैं, अपने मेहनत मैं घर पर करूँगी, ऑनलाइन कुछ क्लासेज लिए इन्होंने, बच्चों को पढ़ाया इन्होंने, और आज देखिए रिजल्ट सामने है। मुस्कान बांका जिला के धुरैया प्रखंड के गाजीचक गांव की हैं, और ये उनके पिताश्री, उनकी मम्मियाँ, ये इन लोगों से बात करेंगे कि बच्ची की सफलता पर इनका जो है सीना चौड़ा तो हो ही रहा होगा, गर्व तो कर रही होंगे। और सभी, मैं तो यही कहूँगा कि सभी माँ बाप को ऐसी बच्चियाँ मिले जिनकी सोच इतनी अच्छी हो, जो माँ बाप के जो सपने होते हैं, जो ड्रीम होते हैं, उनको अचीव करके दे, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों में अपना ड्रीम देखते हैं, अपना सपना देखते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब बने, और आज ये माँ बाप फूले खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, माँ भावुक हो गई। आइए इनसे बात करते हैं थोड़ा सा, आप इधर आ जाइए मुस्कान। सबसे पहले मुस्कान के पिता, क्योंकि बेटियाँ जो हैं वो बाप की प्यारी होती हैं, बाप से ज़्यादा लगाव होता है। आपकी बेटी मुस्कान, Yes. इकलौती बेटी है आपकी? हाँ, एक ही बेटी है। बेटा भी है आपको? बेटा एक है। इकलौती बेटी आपकी मुस्कान, और ये मुस्कान जब बता रही थी कि मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है, ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाता है, नानी हमारी बीमार रहती थी, और मेरे फादर का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं था, नहीं तो मैं कहीं और जाकर पढ़ती तो टॉपर होती, बेटी की ऐसी सोच और बेटी की कामयाबी, क्या कहेंगे एक पिता? देखिए, जब जिस समय हम बीएड करने के लिए डिब्रूगढ़ असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी गए थे जी। तो अचानक जब उठने के बाद लगभग सुबह दो, मतलब सेकेंड आवर में, यानी कि 12-1 बजे, तो हमको चक्कर आ गया। चक्कर आके बाथरूम में हम गिर पड़े, तो अचानक मन में हुआ कि हम क्यों गिरे। गिरने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाए, वहाँ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ करके हम डिब्रूगढ़ से जमशेदपुर आए, तो वहाँ दिखाए, तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, फिर न्यूरोसर्जन को दिखाए, तो फिर एमआरआई किया गया। एमआरआई के बाद बोला कि नहीं, आपको ट्यूमर है ब्रेन में। तो काफ़ी मतलब परेशानी होना पड़ा, मतलब दिक्कत झेलना पड़ा। उसके बाद वो दवाई सब लिखे थे, दवाई जब खाते थे तो पूरा मतलब नींद और मतलब स्थिति ख़राब हो जाती थी। फिर मैंने दवाई खाना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर कुछ योगा करने लगे। फिर कोई बताया कि ट्यूमर में जो है कि वो गेहूं का जो एक पत्ता होता है 7 दिन का, वो और एलोवेरा का जूस, उसका ही घोल बना के अगर जो टेस्ट पीने के बाद जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो मैंने लगातार उसका 3 साल तक सेवन किया और मुझे उससे अच्छा फ़ायदा मिला। और उसके बाद पुनः जब मैं डिब्रूगढ़ गया, डिब्रूगढ़ में भी एम्स के ही मतलब इक्विवेलेंट में एक हॉस्पिटल है, तो जब वहाँ के डॉक्टर से मैंने संपर्क किया तो बोला ऐसे बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, मतलब आपका जो उम्र है उस उम्र से वो स्टेबल है, आपको परेशान करने की कोई बात नहीं है। वहाँ डॉक्टर जो है न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जो भी सलाह दिए हैं, सेकेंड चांस अगर ऐसा होगा तब आप फिर MRI करवाइएगा, अदरवाइज आप नहीं करवाइएगा। तो उसी समय में हमारी बेटी 3 या 4 साल की थी, तो उसी समय मन में एक सोच बना लिए कि जब डॉक्टर का जो सलाह जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट जगह, तो मैंने उसी समय सोच बनाई कि नहीं, मैं अपनी बेटी को जो है ना आगे चल के उसी समय से मतलब मन में हुआ कि नहीं, मैं इसको डॉक्टर बनाऊँगा और एक अच्छा मतलब डॉक्टर बनाऊँगा। बस उसी समय से मेरे मन में यह सोच चला और उसके अनुसार से हम अपनी बच्ची को हमेशा मतलब तुम तुमको बेटा तो डॉक्टर ही बना के छोड़, ऐसे पिता भी गार्जियन बोलते भी हैं बच्चे को, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, और ऐसे ऐसे बात है इसके बारे में, तुमको स्पेशलिस्ट बनना है। तो चूँकि एक मतलब यह जो माइंड में सेट कर देता है कि नहीं ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, या रहता भी नहीं है और जो माइंड में सेट कर देता है, तो वैसे सबको मतलब भ्रम को निकालने के लिए कि बेटा
तुम ऐसे जगह ऐसा चीज़ बनो, ऐसा चीज़ पढ़ाई करो कि दूसरे के भ्रम को दूर करो। अगर ये भ्रम दूर हो जाएगा तो समाज का भी सेवा होगा और काफ़ी पैसा का भी लोगों का बचत होगा, जो इससे मतलब जितना बीमारी से लोग परेशान नहीं रहता उतना उसके मन में शंका से परेशान रहता है। इसलिए 2007 से लेकर अभी तक 2024 आ गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक सवाल है मेरा यहाँ पर सर, कि आपकी बेटी ने आपके सपने को तो पूरा कर दिया कि इन्होंने पहला स्टेप जो होता है एक डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल सेक्टर में जाने के लिए नीट यूजी, इन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया। अगर जिस तरीके से ये प्रिपेयर कर रही थी घर पे रह के, इंजीनियर स्टूडेंट हैं तभी इन्होंने घर में रहकर भी अच्छा रिजल्ट किया है, अगर आपने कोटा क्यों नहीं भेजा, बाहर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा, अगर हो सकता है वहाँ जाती तो टॉपर भी हो सकती थी। देखिए मतलब आदमी समय के साथ उसको वक्त के साथ समझौता करना पड़ता है, और बीच में लॉकडाउन के बाद मेरी स्थिति इतना कमज़ोर हो गई, इतना आर्थिक स्थिति मेरा यानी कि डमाडोल था कि पता नहीं कि मतलब कर्ज में लगभग इतना मैं दब चुका था कि लगभग 30-40 लाख रुपया का मेरे ऊपर कर्ज था और अभी भी है। और उसी समय मतलब जब होता है ना कि जब परिस्थिति आती है तो चारों तरफ से आती है, अच्छे अच्छे लोग जो है कि मुंह मोड़ लिए, जो कि हेल्प करने वाला था, जिसका कि मैंने बहुत हेल्प किया था, वह भी स्थिति मोड़ लिया। उस अब सोच सकते हैं कि किसी के पास 30-40 लाख रुपया कर्ज है, 10 लाख रुपया 3% 4% इंटरेस्ट पर है, तो कितना मेरा स्थिति गंभीर हुआ होगा। और स्थिति में मतलब बहुत बड़ा हादसा भी हो गया मेरा, मतलब जो नया यहाँ ज्ञान गंगा किड्स प्ले स्कूल जो बनाए थे, मेरा एक सपना था, उसको आधा क्षतिग्रस्त मेरा हो गया, और उसमें बहुत कुछ मुझे सुनना पड़ा, सहना पड़ा। मेरी बेटी उस समय यहीं थी, उन्होंने सारा नज़ारा अपने आँख से देखा, और यह मतलब कि अब मतलब डी मोटिवेट हो गई कि जब मेरा यह स्थिति है कि मेरे पापा के ऊपर इतना कर्ज है, अब मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ। तो मैंने उस स्थिति में भी अपने बच्चे को एकदम ढार बन के खड़ा रहा, बेटा मैं हूँ ना, तुम अपने पढ़ाई में मतलब थोड़ा सा भी मैं नहीं उठाओ। जब यह डीमोटिवेट हो जाता था तो इसको मैंने 1 बजे 12 बजे 11 बजे रात में जब ये सो रहती थी तो मैंने इसको कॉफ़ी चाय बना के देता, बेटा पी लो, जगो और तुम पढ़ो। इस तरह से इन्होंने इसको मैंने बार बार यानी करके जो है प्रोत्साहित करके, नहीं बेटा पढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम मेहनत करो, जो बुक है उसको बुक करो, बुक से अलावा इधर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। सही बात, तुम पूरा एकदम जो भी दिक्कत है, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो उससे तुम तैयारी करो। और तैयारी करने में बहुत लोगों ने मुझे साथ दिया, जैसे कि मेरे पास वाईफाई नहीं था तो सनोला के जो थे सन्नी जी, उन्होंने भी काफ़ी मदद की, जहाँ तक हुआ उन्होंने कोशिश करके मुझे वाईफाई दिया, मतलब 7 दिन में 4 दिन में कट जाता था लेकिन आता था, उस दिन पूरा इन्होंने डाउनलोड कर लेती थी और उसी को वह रिविज़न करती थी। विपिन बिहारी सर हैं, इनकी माता से भी बात करते हैं कि इनकी माता जी का भी एक बड़ा रोल रहा होगा बच्चे को, इनकी मेंटेलिटी को डेवलप करने में, बच्चों को प्रोत्साहित करने में, बच्चों को अपने फोकस के ऊपर नज़र गड़ाए रखने में। आइए इनकी माता से भी बात करते हैं। मुस्कान की मम्मी है ये, और एक माँ खुश हो रही है बेटी की कामयाबी पर, इकलौती बेटी, और अब वो नीट यूजी में क्वालिफाई करती है, अच्छा रैंक लाती है, अच्छा नंबर लाती है, बेटी मेडिकल सेक्टर में जाएगी, डॉक्टर बनेगी, कैसा लग रहा है मम्मी जी आपको? हम बहुत अच्छा लग रहा है, जब एग्ज़ाम दे के 5 मई को आई उसी रोज़ बता दी मेरा नंबर इतना अप्रोक्स आएगा ही, उसी रोज़ से हम लोग पूरे खुश थे। लेकिन जब नीट का रिज़ल्ट आया थोड़ा सैडनेस आया, क्योंकि बहुत सारा स्कैम हुआ है इसके साथ। हाँ, तो फिर हम बोले कोई बात नहीं, इतना आ गया ना, बस एम्स का उसका ख्वाब था बचपन से, वो नहीं हो पाया, थोड़ा अफसोस है। ऐसे में टॉपर लोगों के लिए हाँ नहीं होता, उसे पिछले बार इतना में मिल रहा था, पिछली बार मिल रहा था, हम लोग देख चुके थे, लेकिन इस बार ना नहीं, इस बार जो है 720 बहुत ज़्यादा का आया है, तो उन लोगों को ही मिलेगा, इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन डॉक्टर बन जाएगी, बस यही मेरे लिए बहुत काफ़ी बहुत अच्छा है। एक चीज़ आपको तब बच्चे इनसे पढ़वाती क्यों थी, यहाँ पे किड्स प्ले स्कूल, आपको लगता नहीं था कि ये पढ़ेंगे तो कहने के इसके पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जब MBA किसी भी नीट का तैयारी करते हैं ना, तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो जब ज़्यादा प्रेशर उस पर गार्जियन का भी दबाव रहता है, तो हम इसको किड्स प्ले में इसलिए भेजते थे कि बच्चे के साथ अगर खेलेगी, उस प्ले का मतलब ये खेल में बच्चे को सिखाना, तो हम बोले जब उसके साथ खेलेगी
मैंने उसके साथ नया नया आइडिया शेयर करेगी तो इसका क्या होगा कि ये इसका माइंड जो थोड़ा रिफ्रेश रहेगा और फिर फ्री माइंड होकर के फिर वो दूसरा फिर कुछ और टॉपिक पे ये अपना पढ़ाई कर सकेगी। एक चीज़ आप दोनों को मुस्कान को बहुत सारे गार्जियन देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो गार्जियन को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि एक एग्जांपल सेट किया मुस्कान ने घर में रहकर कहीं जाकर नहीं अपने खुद सेल्फ स्टडी पे कॉन्फिडेंस था इनको, तो उस गार्जियन को अगर कुछ सजेस्ट करना हो तो मैम क्या सजेस्ट करेंगे? हम उन गार्जियन को बोलेंगे कि देखिए बच्चे अपना पूरा ताकत लगाते हैं कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन बार बार उसको कि नहीं सक्सेस हो पाया उसको बार बार मत कुरे दिया कीजिए, इससे वो और क्या होंगे, देखिए बाहर की दुनिया तो उसको प्रेशराइज करती ही है और घर के आदमी भी अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे।